In the previous class, we have studied about the free falling body. Okay, free falling body. In that class, we derived the equation for the free falling body. And first, what are the condition for free falling body? Can anyone tell me? What are the condition or what are the assumption we have to consider when we study free falling body? Can anyone tell me? The first one is G, that is constant. It will never change. And the second one is that the air resistance is negligible. That means the drag force is neglected. Okay, for a free falling body, the acceleration due to gravity, that is G, is constant, and the air resistance is neglected. That means the drag force is neglected. Is it okay? And after taking this assumption, we derive the equation for free falling body, and the equation is V is equal to U minus GT and Y is equal to UT minus half GT squared. And the third equation is V squared is equal to U squared plus 2GY. Is it okay? समझ में आया? Now there is question in your mind that sir, these are the equation which hold good for one dimension motion, okay, 1D motion in a straight line, okay. This is similar to that equation, but the only difference is that in place of plus, sorry, here there is minus. In place of plus, you have written the sign subtraction. Is it clear? This is nothing. The equation for free falling body and 1D equation is similar, but हम लोग ने क्या देखा कि जो acceleration due to gravity है g, जो ऑन द सर्फेस इसका वैल्यू क्या था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. तो जो ये एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऐसा प्रचलन है, ठीक है. ऐसा प्रचलन मतलब क्या, कोई कंपलसरी नहीं है कि डाउनवर्ड को हम लोग निगेटिव लेंगे. जो एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है उसको हम लोग निगेटिव लेंगे. ऐसा कोई कंपलसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको आप लोग निगेटिव लो, ठीक है. यू कैन टेक डाउनवर्ड एज पॉजिटिव और निगेटिव अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. बट ऐसा क्या प्रचलन है, हम लोग क्या है जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं, और जो अपवर्ड डायरेक्शन है एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं. इज इट क्लियर अमन? अमन यस सर. ओके, तो देखो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि डाउनवर्ड को निगेटिव लो या पॉजिटिव लो. यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, बट ऐसा प्रचलन है, लोग ऐसा करते आ रहे हैं कि जो डाउनवर्ड हो रहा है उसी को निगेटिव ले रहे हैं और जो अपवर्ड हो रहा है इसको पॉजिटिव ले रहे हैं. यहां तक किसी को दिक्कत? हमने क्या किया, हम जो जिधर क्राउड जिधर भीड़ जाती है हम लोग उसी चीज को फॉलो किए. इज इट ओके? और यहां से हमने क्या किया, एक जगह पे माइनस जी पुट किया
और मेरा ये तीन न्यू इक्वेशन फॉर्म हुआ किसके लिए, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। इज इट ओके, इज इट ओके? ओके सर। नाउ इन टुडे क्लास वी विल स्टडी अबाउट मोशन इन प्लेन। देखो अभी तक जो हम लोग मोशन को पढ़ रहे थे वो किसके लिए पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, वन डायमेंशन के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन क्या होता है, एक 2D फिगर होता है, टू डायमेंशनल फिगर होता है, जिसके पास क्या होते हैं, लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं। मतलब इसके पास क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। लेकिन जो 2D फिगर होता है इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। इज इट क्लियर? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी तक जो हम लोग मोशन को पढ़ रहे थे किसके लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ रहे थे, जो कि वन डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब जो मेरा मोशन होगा वो क्या होगा, प्लेन में होगा। और जब हम प्लेन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेन दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द टू डायमेंशनल फिगर। एंड वी ऑल नो दैट फॉर टू डायमेंशनल फिगर दे हैव द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट। इज इट ओके? ओके। एंड ओके इन द प्रीवियस क्लास वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द पोजिशन वैक्टर। सपोज दिस इज माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज कॉल्ड द एब्सिसा, एंड दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ओके, सपोज वी हैव टू फाइंड द पोजिशन ऑफ पार्टिकल ए। ओके, फॉर पोजिशन ऑफ पार्टिकल ए, टू फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ पार्टिकल ए वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू, हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को पॉइंट ए को ओरिजिन से मिलाना होगा। वी हैव टू मीट द पॉइंट ए टू द ओरिजिन टू फाइंड द पोजिशन वैक्टर एंड दिस इज ओ। तो ओ ए इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट इज एट पॉइंट ए। इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर सम टाइम्स दैट मीन्स आफ्टर टाइम टी, डेल्टा टी, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल विल शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी एंड लेट द पोजिशन बी बी। ओके, एंड वी वॉन्ट टू फाइंड द पोजिशन फैक्टर ऑफ पार्टिकल बी वेन द पार्टिकल इज एट बी, देन वी हैव टू मीट द पॉइंट बी विद द ओरिजिन। ओके, एंड दिस ओ बी इज द पोजिशन फैक्टर ऑफ पार्टिकल्स व्हेन इट इज एट पॉइंट बी। इज इट क्लियर? एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन पोजिशन फैक्टर, एंड द चेंज इन पोजिशन फैक्टर इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन पोजिशन फैक्टर इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। इज इट ओके? यस सर। सपोज दिस इज आर वन वैक्टर एंड दिस इज आर टू वैक्टर, देन वॉट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अबाउट दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन आवर प्रीवियस क्लास। इज इट ओके? Anyone have doubt? No, sir. No, sir. Okay. Now look at, remembering these things, what we will do? We will find the change in the position for a particle when it is in two dimensional. Okay. Suppose this is the point A. We show the particles when it is at point A and let the time be t. Okay, when the particle
is at point A, then the time is t, and after some times, let the particles will shift from A to B. Okay, and when the particle will shift to point A to B, let the time be t2. Okay, now this is the x coordinate. That means when the particle at point A, then the x coordinate is x, and when the particle is at point B, then the x coordinate will be x2. Okay, and when the particle at point A, then the x coordinate, sorry, then the y coordinate be y, and when the particle is at point B, then the y coordinate be y2. Is it clear? जब पार्टिकल ए पे है, पॉइंट ए पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई. दैट मींस क्या, इसका लोकेशन जो है ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स यूनिट मूव करना होगा और वाई कोऑर्डिनेट पे वाई यूनिट मूव करना होगा. सिमिलरली जो पॉइंट बी है, इसका लोकेशन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स टू यूनिट और वाई कोऑर्डिनेट पे वाई टू यूनिट. इज इट क्लियर? अब देखो मैंने क्या बोला था, ये चेंज, ये जो देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या होंगे, ये जो दिख रहा है, ये क्या होगा, जो रेड कलर से दिख रहा है, ये क्या होंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x2 माइनस x मींस फाइनल माइनस इनिशियल, लिख सकता हूं. देखो x2 का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, x2 है, और यहां से लेके यहां का डिस्टेंस क्या है, x है. तो अब बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये x2 माइनस x1 x होगा. टेल मी. यस सर. ओके, ये x2 माइनस x होगा. और मैंने क्या बोला था, जब भी फाइनल माइनस इनिशियल हो और अगर ये चेंज बड़ा हो, if the change is bigger, then we can represent it by delta. Is it okay? So we can write it as delta x. Can I write it? Please participate. Okay? देखो जब भी मैं पूछता हूं हाँ या ना में जवाब दिया करो, इससे क्या होता, मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है. Is it okay? Yes. Okay. तो देखो ये क्या होंगे, मैंने क्या बोला था, जब final minus initial करो और जब ये change क्या हो, बहुत बड़ा हो, और bigger change के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको delta से represent करते हैं. ठीक है? Similarly ये बताओ, ये क्या है मेरा y, और ये क्या है y2, मतलब यहां से लेके ये पूरे y axis से ये क्या होंगे y2, और ये क्या होंगे y. तो बताओ ये जो डिस्टेंस है ये क्या होंगे, ये डिस्टेंस क्या होंगे, y2 माइनस y1 होंगे, सॉरी y2 माइनस y होंगे. और जब ये बिगर चेंज हो तो बिगर चेंज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा y लिखेंगे. मतलब क्या, ये जो रेड कलर से दिख रहे हो ये क्या है, ये है डेल्टा एक्स, और ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर से, वर्टिकल लाइन जो रेड कलर से दिख रहा है, ये क्या, डेल्टा वाई. इज इट क्लियर? यस सर. क्लियर? यस सर. नाउ कैन आई राइट एक्स टू इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कैन आई राइट इट from here, can I write it, x is equal to, yes sir, x2 is equal to delta x plus x. Similarly can here I write it, y2 is equal to delta y plus y. Yes, tell me. Yes sir. Okay, now I have written that r2 vector
minus r1 vector, this is nothing but the displacement vector. So can I write the displacement vector as delta r vector for the bigger chains? Can I write it? Can I write it? Yes, sir. Yes. Now tell me, what is delta r? Delta r vector is nothing but the r2 vector minus r1 vector. Remembering the previous class or the previous slide, in that I have already told you what is r2 and r1 vector. This is nothing but the ab vector. Is it clear? This ab vector. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now this ab vector, this can be written as, in the previous class, what I told you, that AB vector is nothing but the addition of R1 vector and R2 vector. Is it? That means this is nothing but, suppose this is my point C. This is nothing but the AC vector plus CB vector. This is AC and this is CB. Is it okay? Yes, sir. Any doubt till now? Now tell me, what is AC? What is AC? Delta X. Delta X means delta R vector is equal to delta X vector. Or not, matlab delta x? Yes, sir. Okay. And when you learn about the vector or a scalar quantity, in that quantity we have learned that if something on the x coordinate, then on the vector, the unit vector for the x coordinate can be represented by I vector or not. Ye cheez padha tha ki nahi? Yes, sir. इसी तरह जो y कोऑर्डिनेट होता है इसको लोग क्या कहते हैं, j वेक्टर से डिनोट करते हैं. Yes. इसी तरह जब z कोऑर्डिनेट होता है तो उसको हम लोग क्या, k वेक्टर से डिनोट करते हैं. ये सब पढ़े थे, पढ़ा होगा आप लोग वेक्टर क्लास में. Yes, sir. Okay. बताओ इस डेल्टा x को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x i कैप. देखो चाहे I वेक्टर बोलो या I कैप बोलो, ये क्या है, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द वेक्टर. इज इट ओके? ये क्या डायरेक्शन शो कर रहा है. इज इट क्लियर? मींस डेल्टा X चेंज जो है कहां पे है, ऑन द X कोऑर्डिनेट. इज इट क्लियर? यस. नाउ व्हाट CB कैन बी रिटन, CB कैन बी रिटन एज डेल्टा Y J cap, okay. Till now, anyone have any doubt? Please tell me. No, sir. No. देखो अगर doubt रहे ना तो बोला करो, ठीक है. जितना बार बोलोगे मैं उतना बार समझाने के लिए तैयार हूं, ठीक है, क्योंकि doubt नहीं रहना चाहिए, ठीक है. Okay. अब यहां पे देखो, यहां से डेल्टा आर वेक्टर क्या आया, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप. नाउ फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर क्या होगा, इज नथिंग बट डेल्टा आर अपॉन टी. This is the rate of change of position vector. Is it okay? Rate का मतलब क्या होता है, time से divide कर दो, ठीक है, या simply यहां पर लिखो dividing left hand side and right hand side by time. Is it okay? तो यह क्या हो जाएगा, delta r vector upon time is equal to delta x upon time into i cap plus
डेल्टा वाई अपॉन टाइम इंटू जे कैप, ये होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर रिपीट द लास्ट स्टेप। मैंने क्या बोला देखो, ये समझ में आया? यस सर। ओके, अब क्या करो, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड है, दोनों LHS और राइट और RHS को टाइम से डिवाइड कर दो। तो मैंने क्या किया, डेल्टा R वेक्टर अपॉन टाइम इज इक्वल टू डेल्टा X I कैप प्लस डेल्टा Y J कैप अपॉन टाइम कर दिया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह, डेल्टा R वेक्टर अपॉन टाइम इज इक्वल टू डेल्टा X अपॉन टाइम I कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन टाइम इंटू जे कैप। समझ में आया? Yes. जी आदित्य जी समझ में आया? Yes, कि फिर से बताऊं? No, sir, understood. कुछ नहीं है, मैथ है। LHS और RHS को क्या किए, डिवाइड कर दिए, किस से? टाइम से, ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए, ठीक है। ओके सर। ओके, अब देखो, टेल मी व्हाट इज डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज दिस क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज दिस क्वांटिटी नो इज कॉल्ड, टेल मी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज कॉल्ड, सो डिस्प्लेसमेंट। How this is called displacement? Yes, Sulok, you are right. This is called velocity. Okay, this quantity is nothing but the velocity. You have already learned in the previous class. Is it okay? Rate of change of position vector is nothing but the velocity. Is it clear? So this quantity is This quantity is nothing but the velocity vector. This quantity is nothing but the velocity. Is it okay? Okay. Now, what is this quantity? Delta x upon time. This is the velocity on the x coordinate. Is it okay? That means velocity on the x coordinate. Okay. This is the velocity on the x coordinate. And what is this quantity? This quantity is nothing but the velocity on the y coordinate. Okay? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Please tell me. Okay. Now tell me, if the quantity is at point A, okay, and the quantity will reach at point B, that is T, the time taken to reach the particle from A to B will be nothing but T2 minus T or not? देखो जब पार्टिकल पॉइंट ए पे था तो टाइम मेरा क्या था T, जब पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंचा तो टाइम क्या हो गया T2, तो A से B जाने में टाइम क्या लगेगा T2 माइनस T, समझ में आया कि नहीं? हाँ yes, तो यहां पे बताओ जो टाइम होगा ये क्या होगा, इसको क्या मैं डेल्टा T बोल सकता हूं? yes, अच्छा डेल्टा T बोल सकता हूं। अब जब ये डेल्टा T है तो यहां से जो T2 बराबर, जो ये टाइम है T2 बराबर डेल्टा टी, ये टाइम कितना लग रहा है डेल्टा टी लग रहा है, तो ये टाइम कितना है डेल्टा टी प्लस टी होगा, या T2 बराबर नथिंग बट टी प्लस डेल्टा टी होगा। किसी कोई दिक्कत? हाँ नो सर नहीं। अब देखो जो पोजीशन वेक्टर में डेल्टा आर चेंज होने के लिए क्या टाइम लग रहा था डेल्टा टी, इस डेल्टा एक्स को चेंज होने के लिए क्या लग रहा था डेल्टा टी, और इस डेल्टा वाई को चेंज होने के लिए क्या लग रहा था, इसके लिए डेल्टा टी लगेगा। इज इट ओके?
हाँ यस सर। यार बोलो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम क्या है, डेल्टा टी लग रहा है ना, अगर पार्टिकल ए से बी शिफ्ट कर रहा है, इसमें टाइम क्या लग रहा है, डेल्टा टी लग रहा है, इज इट ओके? तो मैं क्या करूंगा, इसको टी से डिवाइड ना करके क्या करूंगा, डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा ना, इज इट ओके? समझ में आ रहा है? हाँ जी यस सर। अब देखो, ये जो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी है ये क्या है, वेलोसिटी, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये क्या है, वेलोसिटी ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी ये क्या है, वेलोसिटी ऑन द वाई कोऑर्डिनेट, इज इट क्लियर? यस सर। नाउ टेल मी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और द एवरेज वेलोसिटी? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी? हाँ जी, व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज दिस इज द बिगर चेंज, डेल्टा रिप्रेजेंट द बिगर चेंज, दैट मीन्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट, and delta y upon delta t is the average velocity on the y coordinate. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, if you want to find the instantaneous velocity, for that, what you have to do? For instantaneous velocity, delta t tends to zero or not? For instantaneous velocity, delta t tends to zero? Yes, sir. Okay. And when delta t tends to zero, at that time, delta x becomes ds, dx, and delta y become dy. Okay? Okay, sir. Because a small change will be represented by dx and dy. Dx means a small change on the x coordinate and dy means a small change on the y coordinate. Okay? Okay. Now what we will do? Iske baad kya karenge? Ab dekho yahan pe. जब हम लोग डेल्टा टी को जीरो से टेंड्स किए, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन डेल्टा एक्स बिकम डी एक्स एंड डेल्टा वाई बिकम डी वाई. ओके, तो कैन आई रिप्लेस दिस क्वांटिटी बाय वी? इज नथिंग, वी वेक्टर इज नथिंग, दिस बिकम डी एक्स upon dt I cap plus dy upon dt j cap, and dx upon dt is nothing but the instantaneous velocity on the x coordinate, and dy upon dt is nothing but the instantaneous velocity on the y coordinate. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, till now, shall I erase the screen? Yes, sir. Yes, sir. Now, velocity is in the plane is nothing but dx upon dt I cap plus dy upon dt j cap. What is this? This is the velocity, the instantaneous velocity, that is the vx. मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑन द वाई कोऑर्डिनेट. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, नाउ टेल मी, व्हाट इज एक्सीलरेशन? व्हाट इज एक्सीलरेशन?
एसिलेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स डी वी अपॉन डी टी दिस इज कॉल्ड एसिलेशन इज इट ओके नाउ इफ वी differentiate this velocity with respect to time then what you will get acceleration okay so dv upon dt is equal to d vx upon dt I cap plus d vy upon dt into j cap is it clear Yes, sir. Anyone have any doubt? Adit, Utkarsh, Shlok, Aman, No, sir. Afreen, anyone have any doubt? No. This is the acceleration. And what is this? This is the instantaneous acceleration. On the x coordinate, that means ax. And what is this? This is nothing but the instantaneous acceleration on the y coordinate. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. That means we already know that what is vx? Vx is the nothing but the velocity on the x coordinate. And what is vy? Vy is nothing the velocity on the y coordinate. Okay? And देखो यहां पे ग्राफ पे ध्यान दो ठीक है सपोज ये क्या है कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से फेंका गया जो कि मानो x कोऑर्डिनेट के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ जो वी एक्स का मतलब क्या हुआ जो वेलोसिटी होगा कहां पे ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट पे और जो वेलोसिटी होगा कहां पे ऑन द वाई कोऑर्डिनेट पे इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा वी होगा तो रिजल्टेंट हम लोग कब निकालते हैं मानो ये पता है ये पता है तो इस रिजल्टेंट को कैसे निकालेंगे रूट अंडर वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर इज इट क्लियर ये बताना पड़ेगा नो सर सिंपली क्या है ये पैथागोरस थ्योरम लगाओ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे ये क्या है वी वाई ये क्या है वी एक्स ये क्या है हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या होगा रूट अंडर वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर रूट अंडर होगा कि नहीं होगा तो देखो जब भी हम लोग टू डायमेंशनल फिगर की बात करें तो उसके पास क्या होंगे x कोऑर्डिनेट में भी वेलोसिटी होंगे y कोऑर्डिनेट में भी वेलोसिटी होंगे ठीक है अब देखो ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहां से फेंका गया इसका मतलब क्या है अगर ये v वेलोसिटी से फेंका गया इसका कुछ कंपोनेंट किसका होगा x कोऑर्डिनेट का और कुछ कंपोनेंट किसका होगा y कोऑर्डिनेट का सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से फेंका गया जिसका एक्सेलरेशन a है इसका मतलब क्या है इस एक्सेलरेशन a का कुछ पार्ट किसका होगा एक्स कोऑर्डिनेट का और कुछ एसिलेशन कहाँ होगा वाई कोऑर्डिनेट में और जो एक्स कोऑर्डिनेट में एसिलेशन होगा उसको हम लोग ए एक्स से डिनोट करते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट में एसिलेशन होगा उसको ए वाई से डिनोट करते हैं इज इट ओके तो अगर हमको क्या हो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी या एसिलेशन पता हो तो हम लोग उसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं कैसे अंडर रूट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर ये क्या होगा एक्सेलरेशन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा यहां तक किसी कोई दिक्कत नो सर नहीं सब बोलो यार चला इरेज द स्क्रीन चला इरेज इट यस सर ओके अब देखो हमने तीन इक्वेशन पढ़ा था जब वन डी मोशन के लिए पढ़ा था तो अब बताओ जब मैंने बोला क्या बोला मैं कि ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इज इट ओके जब ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसका कुछ पार्ट किसका होगा भी एक्स का होगा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का
और कुछ पार्ट क्या होंगे वाई कोऑर्डिनेट का होगा। अब बताओ जो ये वी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट को यहां से ओरिजिन से फेंका गया, इसको हमने क्या किया एक्चुअली, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, वन डायमेंशन मोशन में, मींस वन डायमेंशन मोशन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन डायमेंशन मोशन ऑन द वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस, सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन मोशन और इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन? दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। दिस इज द इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट आई टोल्ड यू दैट दिस वेलोसिटी v व्हिच इज थ्रोन एट सम एंगल फ्रॉम द y एक्सिस और x एक्सिस, मींस this velocity had some component of the x coordinate and some component of y coordinate, so ye kya ho gaya, it will gets converted into one dimension motion on the x coordinate as well as one dimension motion on the y coordinate simultaneously. Is it okay? Okay sir. Now jab ye one dimension motion ho gaya tab main is x coordinate ke liye is jo three equation hai स्टेट लाइन के लिए इसको क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, वेयर व्हाट इज यू एक्स, यू एक्स इज नथिंग बट डी एक्स अपॉन डी टी। इज इट क्लियर? And what is ax? Ax is nothing but d u x upon dt. Is it clear? Yes, sir. ये मैं थोड़ा देर पहले ही तो इस चीज के बारे में पढ़ा हूं ना, इस चीज को डिराइव किया हूं ना। अब देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस इक्वेशन बिकम v x प्लस यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, एंड वॉट इज वी एक्स, वी एक्स इज नथिंग बट डी वाई अपॉन डी टी। इज इट ओके? यस सर। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स वी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स। दिस इज द इक्वेशन, थ्री इक्वेशन that is valid for the x coordinate. Is it okay? Similarly we will write for the y coordinate, and for y coordinate what it will be, that is y is equal to u y into t upon half a y into t square. What is v y, v y is nothing but this is yahan ka equal to, is equal to u y plus ay into t, and what is vy square, this is nothing but equal to uy square plus 2 ay into x. Is it okay? And what is uy, uy is equal to dy upon dt, and what is ux, ho it gaya ux ho gaya, what is vy, vy is equal to dy upon dt. Is it okay? And what is, sorry, what is uy, uy is nothing dy upon dt, and what is ay, ay is equal to d uy upon dt. Is it clear? Is it clear? Yes sir. Anyone have any doubt? अब देखो यहां से क्या करोगे, अगर आपको बी एक्स मिल गया यू एक्स मिल गया तो हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे,
रूट अंडर यू एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करके. एक्सेलरेशन का कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. इज इट ओके? तो दीज आर द इक्वेशन फॉर टू डायमेंशनल मोशन और फॉर मोशन इन ए प्लेन. एनी वन हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर. अगर डाउट है तो बोलो. हाँ फ्रेंकली बोलो. किसी को डाउट है तो बोलो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा. आदित्य, उत्कर्ष, आफरीन, श्लोक एंड अमन सिंह, किसी को नहीं आया समझ में? हाँ जी, समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. आप लोग वो वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दिया था, आप लोग देखा था? हाँ हाँ जी. आपका चैनल नहीं मिला. क्या चीज सर? आपका चैनल नहीं मिला. नहीं मिला? अरे ये सर्च करना ना, दामोदर एकेडमी, डी ए एम ओ डी ए आर ए सी ए डी ई एम वाई एकेडमी बराही, बी ए आर ए एच आई बराही, कुछ इस तरह का लोगो दिखेगा. ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक मिनट. ये दिख रहा कुछ? क्या दिखा? Yes, sir. कुछ इस तरह का दिखेगा, दिख रहा है ना? Yes, sir. तो इसी तरह का होगा, वहां पे मैं अपलोड कर दिया था. ठीक है, नाउ शैल आई इरेज इट? यस. नाउ आई विल डू वन क्वेश्चन, प्लीज राइट इट. ए पार्टिकल, ए पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन. बोलो, जब एक्स वाई प्लेन होता है इसका मतलब क्या है? टू डायमेंशनल विथ ए कॉन्स्टेंट, विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ 2 meter per second squared in the direction making an angle of 30 degree with x-axis at t is equal to 0. The particle is at the origin, is at the origin, and its velocity is 8 meter per second along UX. Along x-axis, find the velocity and position of particle at time is equal to 4 second. हाँ सो लोग बोलो. श्लोक आपने हाथ उठाया था? श्लोक आपने हाथ हैंड रेज किया था? बोलो. बोलते ही नहीं हूं यार. हाँ श्लोक बोलो. सर इट वॉज बाय मिस्टेक. ओके इट्स ओके. दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू हाउ टू डू the motion
in two dimensional. Here it is talking about the xy plane. Then the when the xy plane, that means the motion will be in two dimensional. So, let this be the xy plane, okay? And a particle is thrown from the origin with a constant acceleration. And what is the acceleration? Acceleration is 2 meters per second square. That is A is equal to 2 meters per second square. Okay. And the second part, at time t is equal to 0, the particle is at origin. Means this is the origin. When the time is 0, then the particle is at this point, means at the origin. And its velocity be 8 meters per second along the x-axis. That means ux is equal to 8 meters per second. Is it clear? Find the velocity and position of the particles at t is equal to, find the velocity and position of the particles at the t is equal to 4 seconds. Okay. Now tell me, here A is 2 meters per second square. Okay. Now tell me this, what is this angle? This angle is nothing but the 30 degree. Okay. Now this acceleration have two component, one on the x coordinate, and this component is equal to ax, and the second on the y coordinate, and this is equal to ay. Tell me, what is ax? Ax kya hota hai? A cos theta. Is it okay? Ax a cos theta ke barabar hota hai, kya batana padega? Yes sir. Theek hai, batana padega. देखो जो चीज मैथ, ये क्या मैथ है यहाँ पे, ठीक है? अगर नहीं समझ में आती है तो बोला करो, जब तक yes, sir. जब तक बोलोगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? ax, देखो मैं तो ये एज्यूम करके चल रहा हूं ना कि आपको ऑलरेडी बेसिक मैथ पढ़ा लिया गया है, ठीक है? और जिस स्टूडेंट का बेसिक मैथ बचा हुआ है, मैंने बाद में क्लास ज्वाइन की हो, उसको पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे ax is equal to a cos theta होगा, and what is ay? ay is equal to a sin theta. Is it clear? कुछ नहीं है, ये एक trigonometric function को हम लोग यूज किए हैं. Is it okay? Simply, yes, sir. जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल होता है उसमें क्या होता है, cos टर्म इंट्रोड्यूस होता है, और जिसके साथ क्या हो, 90 माइनस थीटा हो, उसके साथ क्या होता है, साइन टर्म होता है. नाउ इज इट क्लियर? यस सर. ओके, अब बताओ ए एक्स बराबर क्या होगा, 2 cos 30. टेल मी द वैल्यू. ए वाई बराबर क्या होगा, 2 sin 30. एनी हैव एनी डाउट? यू विल कैलकुलेट इट? नो सर. You will calculate it? Yes, sir. Okay. I will leave the math portion, okay? You have to do it at your home, okay? समझ में आ रही है ना? Yes, sir. कुछ नहीं किया, जो A है, उसका मैंने क्या किया? X component और Y component निकाला, ठीक है? उसका मैंने क्या किया? x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकला. जब मैं उसका x कंपोनेंट निकाला तो x कंपोनेंट बराबर क्या था, a cos theta, और y कंपोनेंट क्या था, a sin theta. इज इट ओके? आफ्टर कैलकुलेटिंग द कंपोनेंट इन द x एंड y कंपोनेंट, ओके, अब देखो, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ax is equal to something आएगा, ay is equal to something आएगा. अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है क्या, कि ux बराबर क्या है, 8 meters per second, ठीक है? इज इट ओके? अब बताओ ux बराबर 8 meters per second है, ठीक है? अब एट ओरिजिन, ओरिजिन पे टाइम क्या होगा, 0
जब मेरा टाइम जीरो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू जीरो एज वेल एज y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू जीरो, इज इट ओके? जब मेरा कोई पार्टिकल टाइम जीरो यहाँ पे ओरिजिन पे हो, क्या ये x कोऑर्डिनेट में कुछ भी मूव करेगा? नहीं, क्योंकि ये कहाँ पे, ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है और y कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, ओरिजिन पे जीरो होता है। इसी चीज को मैं यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि जब वो ओरिजिन पे था तब उसका यू एक्स क्या था, 8 मीटर पर सेकेंड था। कितना था, 8 मीटर पर सेकेंड था। लेकिन भी वाई ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये ओरिजिन पे है तो सिर्फ इसका क्या है, वाई कंपोनेंट है। इज इट ओके? यस सर। यू वाई इज इक्वल टू जीरो होगा, है कि नहीं? अरे कोई भी कंपोनेंट अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स पे मूव कर रहा है तो एक्स पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। होगा ना? और क्या होगा, ये क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है उसका, 8 मीटर पर सेकेंड है। चलो मैं फॉर्मूला लगाता हूं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखा वी एक्स, मतलब x कोऑर्डिनेट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, x कोऑर्डिनेट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी ऑन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी ऑन x कोऑर्डिनेट प्लस एक्सेलरेशन ऑन द x कोऑर्डिनेट इनटू टाइम। होगा कि नहीं होगा? यस सर। देखो हमको x कोऑर्डिनेट का क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी क्या है एक्स कोऑर्डिनेट का, जीरो है, और क्या पता है मेरे, जो टाइम जीरो है ओरिजिन पे और एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट, और ये फाइनल वेलोसिटी ऑन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यू एक्स, 8 मीटर पर सेकेंड प्लस ये क्वांटिटी क्या आया था, ये क्वांटिटी क्या आया था, कैलकुलेट नहीं किया यहां से, 2 cos थीटा सर, 1, ये 1 आ गया सर, √3 वो ay का 1, ये क्या हुआ, 2 cos 30 होगा। और टाइम, टाइम कब का पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, Find the velocity and the position of the particle at time t is equal to 4 seconds. Is it okay? यहाँ पे मेरा टाइम क्या होगा? 4 seconds होगा? Yes sir. यहाँ से vx कैलकुलेट कर लोगे? हाँ जी. Sir, it is √3. देखो, क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा है? जब टाइम इज इक्वल टू 4 seconds है, ठीक है, तब उस कंडीशन पे क्या पूछ रहा है, आपको वेलोसिटी पूछ रहा है और आपको क्या पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमको, फाइनल वेलोसिटी ऑन एक्स कोऑर्डिनेट और फाइनल वेलोसिटी ऑन वाई कोऑर्डिनेट, दोनों चाहिए, तभी तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो अब यहां पे हम लोग वी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब बताओ वी वाई क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नथिंग बट क्या होगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी होगा। और जब yes. ये बताओ, जब मेरा पार्टिकल ओरिजिन पे था उसमें यू वाई क्या था, जीरो है कि नहीं? यस yes, yes. तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, तो भी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए वाई, ए वाई क्या है, 2 sin 30 सर, 4, 2 sin 30 इंटू टाइम, टाइम क्या है 4 सेकेंड के लिए फाइंड कर रहे हैं, यहां से क्या जाएगा भी वाई। अब मेरे पास क्या है, भी एक्स भी है, फाइनल वेलोसिटी ऑन एक्स कोऑर्डिनेट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑन वाई कोऑर्डिनेट, यहां से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ऐसे करके, रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस भी वाई का स्क्वायर। टेल मी, निकाल सकते हो? यस सर। yes, चलो,
अब देखो ये जो वेलोसिटी होगा इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सिस को देखो, हमको क्या पता चला, वी एक्स और वी वाई पता चल गया। यहां से हम क्या निकालेंगे, भी निकाल लेंगे, कैसे, रूट अंडर वी एक्स प्लस वी वाई का स्क्वायर करके, इज इट ओके। लेकिन बताओ इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे होगा, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो भी है, ये जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे होगा, इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां पे परपेंडिकुलर क्या होगा, भी वाई, बेस क्या होगा, भी एक्स, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स होगा। अब हमको वी एक्स भी पता है, वी वाई भी पता है, क्या दोनों को रेशियो निकाल के हम निकाल सकते हैं, टेन थीटा, यहां से थीटा बराबर क्या होगा, इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स होगा, कर लोगे? यस सर। समझ में आया? यस सर। शैल आई इरेज द स्क्रीन? सर वेट, देखो जहां जहां मैथ हमें छोड़ते जाता हूँ, ये सब बेसिक मैथ है जो आपको पढ़े होंगे आप, ठीक है, इज इट ओके? यस सर। रिया कुमारी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके शैल आई इरेज? सर वेट, मैंने कुछ नहीं कहा, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा एट टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी और उसका पोजीशन क्या होगा, तो जानते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑन एक्स कोऑर्डिनेट और वेलोसिटी ऑन वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑन एक्स कोऑर्डिनेट निकाला और वेलोसिटी ऑन वाई कोऑर्डिनेट निकाला, उसके बाद हमको क्या हुआ, इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता चल गया लेकिन इसका ओरिएंटेशन नहीं पता चला, तो इस ओरिएंटेशन को कैसे पता करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, और थीटा बराबर क्या हुआ, टेन इनवर्स वी एक्स वी वाई अपॉन वी एक्स। किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो आगे बढ़े। yes. अब देखो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। अब पोजिशन ऑफ पार्टिकल मतलब क्या है, इसका क्या होगा, दो पोजिशन होगा, एक क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा पोजिशन, दूसरा क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट पे होगा, इज इट ओके और नॉट, टू डायमेंशन का मतलब तो यही होता है ना। तो अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होगा। हाँ यू एक्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यू एक्स क्या था मेरे पास, 8 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं गिवन है, गिवन है ना। हाँ जी यस सर। यस तो यहां पे रखो 8 इंटू टाइम क्या है 4 सेकेंड प्लस हाफ ए एक्स, ए एक्स क्या है, ए एक्स इज नथिंग बट 2 cos 30 degree। ओके यहां पे रखो 2 cos 30 degree इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम क्या है मेरे पास 4 का स्क्वायर, यहां से एक्स पता चल जाएगा, ये क्या है पोजिशन ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट, इज इट ओके, समझ में आया? हाँ जी बोलो। यस सर। ओके यस सर। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट पे क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होगा, ये सब फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ना। अब देखो यू वाई मेरा क्या था, जब मेरा ओरिजिन पे था, ओरिजिन पर सिर्फ और सिर्फ इसका क्या था एक्स कंपोनेंट था, दैट मींस यू वाई क्या था, जीरो था कि नहीं था, यू वाई जीरो का, तो ये कोऑर्डिनेट टर्मिनेट हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए वाई, ए वाई क्या होगा 2 sin 30 degree,
क्या होगा 2 साइन 30 डिग्री इंटू टी स्क्वायर, टी क्या होगा 4 का स्क्वायर, यहां से कैलकुलेट कर लोगो वाई। हाँ जी हो जाएगा कैलकुलेट। यस सर। ओके शैल आई इरेज इट? यस सर। यस सर। देखो टू डायमेंशन में इसी तरह अप्रोच होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। पहले किसको फाइंड करो, एक्स कोऑर्डिनेट के क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करो, फिर वाई कोऑर्डिनेट के फाइंड करो, ठीक है। इज इट ओके? बोलो। देखो मैं इतना बोलता हूं, तुम लोग कुछ बोलते yes, नहीं। शैल आई इरेज इट? यस सर। ओके अब देखो तो बेटा मैं रेज कर दिया हूं यार, समझ में समझ तो आ गया होगा ना? हाँ उत्कर्ष सर। आदित्य बोला। अच्छा आदित्य समझ में तो आ गया होगा ना? यस सर। तो कर लेना ठीक है। देखो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे अप्रोच किया जाता है, मैथमेटिकल पोर्शन खुद अपने घर पे करो। इज इट ओके? अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टू डायमेंशन, ठीक है।